तो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे, आप लोग अगर ओरिजिनल विंडोज आपके लैपटॉप में ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड है तो आप उसका की कैसे ढूंढें। ये बेसिकली जरूरत तब पड़ता है जब विंडो फॉर्मेट कर रहे हो। अगर आप विंडो सेम हार्ड ड्राइव में फॉर्मेट करो तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब भी आप विंडो इंस्टॉल होगा ओरिजिनल ऑटोमेटिक वो की ले लेगा। बट अगर आप SSD अपग्रेड कर रहे हो या फिर दूसरा हार्ड ड्राइव चेंज कर रहे हो, फिर अगर आप विंडोज अपलोड करते हो तो बहुत बार की नहीं लेते, खुद से आपको देना पड़ता है। तो ऐसे में क्या होता है, आपको की पता नहीं होता, तो आपका मशीन में जो की पहले से डल रखा है ओरिजिनल, वो कैसे हम लोग ऊपर करें। तो आपको इसके लिए कोई सेकंड पार्टी ऐप नहीं करना है, मैं दो तरीके बताऊंगा, इस दोनों तरीके में से आपको पता चल ही जाएगा अगर आपको आपके पास ओरिजिनल जेन्युइन की है तो। तो सबसे पहले क्या करना है, ये जो लिख रखा है, कमांड लिख रखा है, इसको पहले कॉपी करना। मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ये चीज़, ये वहाँ से आप कॉपी कर लेना, ठीक है, या फिर लिख लेना। फिर राइट क्लिक करना, उसके बाद यहाँ पे होगा कमांड, या फिर एक काम करना आप डायरेक्ट विंडोज़ पे क्लिक करना, लिखना CMD, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया कमांड, इसको हम लोग ओपन करेंगे, इधर पे हम लोग सीधा पेस्ट कर देंगे और इंटर मार देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इंटर करने पर यहाँ पे आपका की आ जाएगा, कई कई बार नहीं आते, देखो मैं फिर से किया तो मेरा की नहीं आया, ठीक है, आपका की आ जाएगा अगर होगा तो आ जाएगा, ठीक है, मेरा की नहीं आया। तो ये रहा पहला तरीका, अगर इससे ना हो तो दूसरा तरीका क्या है मैं वो बता दूँ, जिससे मेरे नहीं हुआ इससे। तो सबसे पहले आपको विंडोज़ प्लस R दबा के रन खोलें, तो ये रन खुल जाएगा। मैं हाथ में फ़ोन रख के बना रहा, क्योंकि अभी इसमें मैंने वो OBS डाउनलोड नहीं किया तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा, इसलिए तो आप मैनेज कर लेना। तो इसके बाद रन खोलने के बाद आप इस पर टाइप करना REZEDIT, ठीक है, वो सर्च करने मतलब ओके करना, यहाँ पे आएगा, इसको भी यस कर देना। देन क्या करना है आपको, मैं आपको एक ही करके बता। तो की लोकेशन मशीन पे जाना है, ठीक है, की लोकेशन मशीन पे जाने के बाद यहाँ पे देखो की लोकेशन मशीन है ना, यहाँ पर की लोकेशन मशीन के पे जाना है। इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करके सॉफ्टवेयर पे जाना है, ऐसे रहेगा। तो आपको यहाँ पे जाना है सॉफ्टवेयर पे, ठीक है। सॉफ्टवेयर पे जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है माइक्रोसॉफ्ट पे, ठीक है। सॉफ्टवेयर पे जाने के बाद ऐसे रहेगा, तो हमको नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे देखो माइक्रोसॉफ्ट दिख गया, यहाँ पे जाएंगे हम लोग। इसके बाद हमको जाना है कहाँ पे, तो विंडोज़ में, ठीक है। तो आप नीचे जाना, विंडोज़ NT करके होगा, देखो विंडोज़ NT है ना, ये रहा विंडोज़ NT, हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग जाएंगे क्या, नीचे जाएंगे, थोड़ा सा नीचे जाएंगे, नीचे जाएंगे, नीचे जाएंगे, और यहाँ पर हम लोग को मिलेगा सॉफ्टवेयर प्रोटेक्शन प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो हमको इस पर क्लिक करना है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा प्रोडक्ट की, मैं पूरा नहीं दिखाऊंगा पर प्रोडक्ट की यहाँ पे देखो है ना, बैकअप, ये रहा, ठीक है, बैकअप प्रोडक्ट की। तो आप यहाँ पे क्लिक करो, इस पर क्लिक करोगे तो कॉपी करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपने देखा कि कैसे हम अपने विंडोज़ में की देख सकते हैं, अपने मतलब अपने विंडोज से की देख सकते हैं। तो बाकी नीचे जो कमांड में हम लोग डालते टाइप करते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी होगा, आप वो चीज़ टाइप कर सकते हो, वहाँ से कॉपी करके टाइप पेस्ट करके इंटर कर सकते हो, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। आपको वहाँ पर नहीं मिला सेकंड जो मैंने बताया वो करना, आपको जरूर मिल जाएगा। वो कॉपी करके कहीं पर रख लो, या फिर कॉपी करके नोटपैड पर रखे, ड्राइव पे सेव करके रख लो, आपका की आपके पास रहेगा। तो ये छोटी सी वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगे तो इस वीडियो को कर देना लाइक, और शेयर करना ना करना, बट सब्सक्राइब करके जरूर जाना, सपोर्ट की ज़रूरत है। बाकी बहुत कुछ आएगा और भी, बाकी इस वीडियो पे मैं कुछ ऐसा वैसा मैं रिसर्च करके बनाता हूँ यार, दोबारा रहता हूँ रिसर्च करके बनाता हूँ गाइस, और मैं ट्राई करता हूँ ऐसा कुछ न्यू करने का। तो टाटा बाय बाय, सेफ रहना, घर पर रहना, और हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। टाटा।